हम खड़े हैं यहाँ दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में। यहाँ के चांदनी चौक इलाके में जो थोड़ी देर पहले अभी जगह जगह पर चुनावों का माहौल गर्मा रहा था, चुनावी सियासी जिस तरह से चुनावी सरगर्मियाँ बढ़ रही थी, लोग चुनाव के लिए अपना मतदान देने के लिए जगह जगह पोलिंग बूथ पर जा रहे थे, तो इस मतदान के अंदर जिस तरह से देखा जा रहा था कि बीजेपी की सरकार के लोग अलग हैं, कांग्रेस की सरकार के लोग अलग हैं और आम आदमी पार्टी के लिए लोग अलग से वोट देने जा रहे थे, वहीं इस सारी चीज़ों को एक दूर करते हुए ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस के सदर मोहम्मद इमरान साहब ने एक यहाँ पर एक गैदरिंग की, एक छोटी सी, जिसके अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं कि ना तो यहाँ पर अब कोई किसी तरह का बीजेपी का प्रत्याशी नज़र आ रहा है, ना कोई यहाँ कैंडिडेट नज़र आ रहा है बीजेपी का, ना कांग्रेस का कोई कैंडिडेट है, ना ही कोई आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है यहाँ नज़र आ रहा है। तो सिर्फ इतना नज़र आ रहा है एक इंसानियत है और दोबारा से एक भाईचारा है जिसको हमेशा के लिए कायम रखने के लिए अंसारी साहब ने पूरी तरह से मेहनत की है और इसी मेहनत के लिए अंसारी साहब को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि इस मेहनत को आगे आने वाले वक्त तक के लिए कायम रखें। अंसारी साहब इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है और उम्मीद करते हैं फेस न्यूज़ की तरफ से कि आप आने वाले इस तरह की किसी भी प्रोग्राम को या आयोजन को इसी तरह के रूप देते रहेंगे। कुछ कहना चाहेंगे फेस न्यूज़ के माध्यम? बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने का, वेलकम है आपका। ये जो माहौल हमने बनाया है क्योंकि तमाम पार्टी को जो वर्कर्स हमारी होती है, तीनों पार्टी को जो वर्कर्स यहाँ सारा दिन मेहनत करते हैं, हमारा ये है कि सबको मिला के एक साथ बैठ के पीसफुल तरीके से हमारे इलेक्शन हुआ है, हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं और रमज़ान के माहौल, रमज़ान का जो मौका है इस वक्त वो ज़रूरी है कि इस तरह से जो है ये बिरयानी वगैरह खिला के लोगों को खाना खिला के जो है उसको जो है सेलिब्रेट किया जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन हुआ है, सब लोगों ने बड़ी मेहनत करी है और हम उम्मीद है कि इसका जो रिज़ल्ट जो वर्करों ने मेहनत की उसका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। तो खैर ये थे इमरान अंसारी साहब। इलेक्शन का रिज़ल्ट जो भी आएगा आएगा, उसका तो 23 मई तक के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं जो अभी फ़िलहाल का यहाँ नतीजा है, रिज़ल्ट है यहाँ के, वो सब आप साफ साफ आप देख सकते हैं किस तरह से लोग एक लाइन में लेकर लोगों को खाना खिलाया जा रहा है और बहुत ही तरीके से तरतीब से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को दूर करके या फिर अन सेकुलर पार्टियों की भावनाओं को दूर कर कर सबको एक जैसा रखने के लिए और एक साथ करने के लिए भरपूर कोशिश जारी की गई है। दिल्ली से अफशा खान की रिपोर्ट।